गैज ये साइड देख सकते हैं, बूस्ट कंपनी का यहाँ पे, एक कंपनी का यहाँ पे बिल्डिंग देख सकते हैं गैज, कितनी भयानक है। ठीक है, और आज की ब्लॉग में आप लोगों को बहुत कुछ दिखाऊंगा, चलिए हमारे ब्लॉग पे आप लोग बने रहिए। और गैज ये साइड देख सकते हैं बूस्ट कंपनी की बिल्डिंग कितनी भयानक है गैज, और मिनी प्लांट्स चारों ओर से लगा हुआ है। ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग पे, वन बाय वन करके सारे कुछ। मैं आज एक टेंपल जा रहा हूँ गाइज, और फाइनली मैं टेंपल पहुँच गया, ये साइड देख सकते हैं, और श्री श्री बजरंगबली का यहाँ पे भी फोटो देख सकते हैं गाइज, सॉरी यहाँ पे मूर्ति देख सकते हैं, 102 फीट का है ये मूर्ति। ठीक है, और ये साइड इसका टेंपल का बाहर साइड में पार्किंग देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे पार्किंग भी फ्री है। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके सारे कुछ मैं आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और इसकी ये ऑपोजिट साइड में श्री जगन्नाथ टेम्पल है गाइज। ठीक है, ये टेम्पल के भी बारे में सारे कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और ये साइड का है। ठीक है, चलिए इसके बजरंगबली का जो भी नीचे में जहाँ पे पूजा होता है, मैं वहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ये साइड देख सकते गाइज, सारे कुछ पार्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड पे। ठीक है, और श्री बजरंग बली को देख सकते हैं गाइज, यहाँ से आप लोग मैं बारीकी से मैं दिखाऊंगा। 102 फीट का यह बजरंग बली का मूर्ति है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, नीचे से मैं आप लोगों में दिखा रहा हूँ गाइज, और इसका ये साइड में देख सकते हैं छोटे छोटे बहुत सारे मूर्ति हैं जो सारे पत्थर से बनाया गया है गाइज, और देख सकते हैं। ठीक है, चारों ओर से बहुत सारे मूर्ति हैं, और हमारा फाइनली यहाँ पे दर्शन हो गया गाइज। और चलिए दूसरा मैं यहाँ पे श्री जगन्नाथ टेम्पल जाता हूँ, और यहाँ पे भी मैं आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, और ये साइड से मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ गाइज, श्री बजरंगबली को देख सकते हैं कितने बड़ा है गाइज, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ये, 102 फुट समझ सकते हैं, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसके नीचे साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे पूजा करने के लिए सारे सामान यहाँ पे उपलब्ध हो जा है। ठीक है, चलिए और श्री जगन्नाथ टेम्पल यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, तीन लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है इस टेम्पल का नाम, और ये इसका एंट्री गेट है देख सकते हैं आप लोग, और इसका एंट्री गेट से हम लोग सीधा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये सीढ़ी है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पे टेम्पल पहुँच जाएंगे। अरे ये बहुत पुराना टेम्पल है गाइस। ठीक है, श्री जगन्नाथ टेम्पल जो उड़ीसा का फेमस है, यहाँ पे सेम यहाँ पे बनाया हुआ है, बट छोटा में बना हुआ है, और वहाँ पे से उड़ीसा में तो इसका बहुत बड़ा टेम्पल है। और इसका ये राइट लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख सकते हैं, स्वीट टेम्पल है भाई गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं शिव टेम्पल। ठीक है, ये इसके लेफ्ट साइड में है, और यहाँ पे हम लोग टेम्पल यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये टेम्पल बहुत पुरानी है गाइज, यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर से मैं नीचे के लिए आप लोग दिखाऊंगा, और ये सारे दीवार में यहाँ पे देख सकते हैं, सारे पत्थर से ये बना हुआ है ये टेम्पल, और इस टेम्पल के अंदर का जो माता रानी का फोटो है गाइज, यहाँ पे आप सॉरी मूर्ति है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा है और कितने जय। और हम भी अभी दर्शन हो गया गाइज, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे वीडियो में, और कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए और हम फाइनली दर्शन हो गया, और मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ गाइज, और ये इसका बाहर का व्यू है। ठीक है, और बाहर का व्यू जैसे पूजा होते हुए गाइज, ये साइड इसका नीचे में अपना दीप जलाकर यहाँ पे अपने से पूजा यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग पर, यहीं पर अपना ब्लॉग वीडियो एंड करता हूँ गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।